पार्लियामेंट में अपने बेटे के साथ इसलिए नहीं आ रहा कि मैंने आप सीखे कुछ कुर्सी खींच लेनी है। मेरा मकसद है आपको भी समझाएं। अल्ताफ हुसैन साहब से हमारा मुकम्मल कतई ताल्लुक है। आप देख रहे हैं खबरों तबसरों और तज़ियात पर मबनी पाकिस्तान का सबसे मोतबर न्यूज शो दुनिया कामरान खान के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ कामरान खान। ऑपरेशन रद्दुल फसाद के आगाज होने के 5 हफ्ते के बाद आज पाकिस्तान में सबसे बड़ा दहशतगर्द हमला हुआ है। ये दहशतगर्द हमला कोरम एजेंसी में पारा चिनार के नूर बाजार में हुआ है, जहां पर एक इमाम बारगाह के नजदीक आज सुबह तब एक धमाका हुआ, खुदकुश हमला जिसमें 24 अफराद जाबहक हुए और 50 से जायद जख्मी हुए हैं। जाबहक होने वाले में एक खातून और 2 बच्चे भी शामिल हैं। 20 जख्मियों की सूरत हाल के बारे में बताया गया है कि वो क्रिटिकल हैं, उनकी हालत बहुत ज्यादा तश्वीशनाक है, इसीलिए कहा जा रहा है कि मरने वालों की तादाद बढ़ सकती है। तकरीबन 6 हफ्तों में पारा चिनार में दहशतगर्दी का ये दूसरा बड़ा वाक़या है। इससे पहले 22 जनवरी को इसी शहर की सब्जी मंडी में एक रिमोट कंट्रोल डिवाइस के जरिए धमाका किया गया था। एक बड़ा धमाका था जिसमें 25 मासूमों की मौत हो गई थी और इस खून की होली का क्रेडिट लिया था कलदम तंजीम लश्कर जंगवी अल आलमी ने, जबकि आज खातून और बच्चों समेत 24 अफराद की हलाकत का क्रेडिट कलदम जमात उल अहरार ने कबूल किया है। दोनों जमातों ने कहा था कि उन्होंने हमले किए और उन हमलों में इन मासूमों की जान गई। पारा चिनार पाक अफगान सरहद पर कबाइली इलाके कुरम एजेंसी का इंतजामी हेडक्वार्टर्स है और फाटे की कुरम एजेंसी की सरहद अफगान इलाके नंगरहार से मिलती हैं, जिसे दाइश और दूसरी दहशतगर्द ग्रुपों का मरकज समझा जाता है। ख्याल ये किया जाता है कि अफगानिस्तान के इली इलाकों से ये दहशतगर्द आते हैं और पारा चिनार में दहशतगर्दी करते हैं। इस मौजू पर मजीद बात करते हैं आज के इस अंदनाक वाक़े के हवाले से। हमें ज्वाइन कर रहे हैं पेशावर में हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट नासिर दावड़। बहुत बहुत शुक्रिया नासिर दावड़ साहब, ये बताइएगा आज के वाक़े की, जो ये भयानक दहशतगर्दी का वाक़ा हुआ है, 1.5 महीने में दूसरा वाक़ा है कि पारा चिनार में, इसकी क्या मजीद तफसीलात है हमारे पास? देखिए, आज जो हमला किया गया है पारा चिनार के एन वस्त में, नूर मार्केट भी कहा जाता है इसे, कुरम बाज़ार भी इनसे कहा जाता है, दो नाम है इसके, जिसके यहाँ पर चूंकि आज जुमा था और जुमा का दिन ही उन्होंने चुनाव किया था, क्योंकि जुमे के दिन यहाँ पर रश ज़्यादा हुआ करता है। जो दूर दराज के इलाके होते हैं वो तमाम लोग यहाँ आकर पूरे हफ्ते की सौदा सलफ करके नमाज़ें अदा करने के बाद ये लोग दोबारा वापस जाते हैं और पूरे हफ्ता वो गायब हो जाते हैं, लेकिन खसूसन जुमे के रोज़ यहाँ पर गहमा गहमी और रश बढ़ जाता है। तो आज उन्होंने चुनाव किया था कि चूंकि यहाँ पर लोग ज़्यादा आएंगे, और यही वजह थी कि जब तकरीबन 11:45 का ये वाक़या हो चुका है, और ख्याल ये किया जाता था कि ये जो गाड़ी थी ये एन उसी वक्त के लिए शायद नमाज जुमा के अवकात के लिए ही उन्होंने यहाँ पर कड़ा किया था, लेकिन कुछ तकनीकी खराबी के बायस ये इससे कबल धमाका से उड़ गया, जिसके नतीजे में 24 अफराद। अच्छा, ये बताएं कि पारा चिनार की और कुरम एजेंसी की सिग्निफिकेंस क्या है? ये बिल्कुल अफगान सरहद इसके साथ है, और ये जो बात होती है कि ये नंगरहार में ग्रुप है दाइश वगैरह के, वहां से आते हैं, क्या कहते हैं हुकाम यहाँ पे इसकी जो इस इलाके के हवाले से?
इस इलाके के हवाले से इंतहाई यहाँ पर दिलचस्प सूरतहाल यह बन जाता है कि जब नंगरहार के साथ भी इनके सरहदात मिलते हैं, जबकि अफगानिस्तान के लोगर सूबा है उसके साथ भी इनके सरहदात मिलते हैं, जबकि साउथ की तरफ इसके जो सरहदात है वो पक्तिया के साथ मिलते हैं। तो पक्तिया, लोगर और नंगरहार के साथ इनके सरहदें मिलते हैं। और ये भी बता दूँ कि खैबर एजेंसी जहाँ ऑपरेशन रद्दुल फसाद इंतहाई तेज़ी के साथ जारी है, इनके साथ भी इनके सरहदात जुड़े जाते हैं। और औरगजई एजेंसी जहाँ पर ऑपरेशन रद्दुल फसाद चल रहा है और साथ साथ शमाली वजीरिस्तान के साथ भी इनके सरहदात जा मिलते हैं, जिसकी वजह से यहाँ का जो सिक्योरिटी, इसको प्रोटेक्शन देना इंतहाई अहम मसला। बहुत बहुत शुक्रिया नासिर दावड़, हमारे साथ है कमर्शियल ब्रेक और उसके बाद जिक्र करते हैं इसी खत्ते के हवाले से एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। कल मीरानशाह में वाना में रूसी दस्ते थे, आला फौजी रूसी अहदेदार, पाकिस्तानी फौजी अहदेदार एक साथ शुमाली वजरिस्तान और जनूबी वजरिस्तान में मौजूद थे। हालिया सालों की ये बड़ी डेवलपमेंट है, रूस और पाकिस्तानी फौजी ताल्लुकात में भरपूर इजाफा, अमरीका में इस हवाले से शदीद इस्तराब, इसकी बात करते हैं छोटे से वक्त के बाद। अस्सी के दहाई में पाकिस्तान रूस के साथ गैर एलानिया और गैर इनडायरेक्ट एक जंग में इन्वॉल्व था, यह अफगानिस्तान की सरजमीन पर लड़ी जा रही थी, पाकिस्तानी फौजी बराह रास्त मौजूद नहीं थे, मगर एक जंग थी जिसका पाकिस्तान जरूर हिस्सा था, रूस भी पाकिस्तान को एक दुश्मन कुव्वत गर्दानता था। यह वो वक्त था जब पाकिस्तान अमरीका का एक दुलारा समझा जाता था और पाकिस्तान के फौजी सरबरा जनरल जियाउल हक अमरीका के प्यारे थे। पिछले दो तीन साल में सूरत हाल यकसर बदली है, अमेरिका की पाकिस्तान में दिलचस्पी कम हुई है, तो रूस ने भी एक करवट बदली है और पाकिस्तान रूस ताल्लुकात की बहाली का एक गैर मामूली आगाज हो चुका है। यह अमर गैर मामूली इसलिए भी है कि दोनों रियासतों के खित्ते के हवाले से मफादात तो यकजा हुए हैं, लेकिन पाकिस्तान और रूस के फौजी इदारों के दरमियान कुर्बत का एक इंतहाई दिलचस्प सफर शुरू हो चुका है। कल फाटा में एक और बहुत ही दिलचस्प और बहुत ही अनप्रेसिडेंटेड गैर मामूली पेशरफ देखने में आई, जब रूस के डेप्टी चीफ ऑफ जनरल स्टाफ और एक उनके साथ कई रूस के आला सतह के मिलिट्री ऑफिशल्स ने शिमाली वजीरिस्तान के इलाके मीरानशाह और जनूबी वजीरिस्तान के हेडक्वार्टर वाना का दौरा किया। रूस का ये फौजी वफद मीरानशाह में और वाना में होना ये बहुत ही दिलचस्प बात है। आईएसपीआर ने कहा कि इस मौके पे कोर कमांडर पिशावर जनरल नजीर भट्ट ने रूस के मिलिट्री ऑफिशियल्स को दहशतगर्दी के खिलाफ पाक फौज की कामयाब ऑपरेशन की तफसीलात बताई और पाक अफगान बॉर्डर मैनेजमेंट के हवाले से ब्रीफिंग दी, जबकि दोनों मुल्कों की फजाई अफवाज में बाहमी ट्रेनिंग और मुश्तरका एक्सरसाइज के बारे में भी बात हुई है। पाकिस्तान और रूस के दरमियान दिफाई तआवुन में पेशरफ का आगाज का सिलसिला 2014 में हुआ था, जब रूस के वजीर दफा इस्लामाबाद आए थे और कई माहिदों पर दस्तखत हुए थे, जिसके बाद तारीख में पहली बार 6 माह काबिल सितंबर में रूस के कमांडोज ने यानी स्पेशल फोर्सेस के दस्तों ने पाकिस्तान के साथ मुश्तरका जंगी मशकों में हिस्सा लिया था, जिसे पूरी दुनिया में बहुत दिलचस्पी से देखा गया था। आज के इस पूरे माहौल के हवाले से रूस की और पाकिस्तान की कुर्बत और खास तौर पर रूस और पाकिस्तान के दिफाई इदारों की फौजी इदारों की एक दूसरे के करीब आना, इस पर हम बात करते हैं और इसके लिए हमें ज्वाइन किया है ब्रिगेडियर रिटायर्ड साद मोहम्मद ने, जो अफगानिस्तान में पाकिस्तान के साबिक मिलिट्री अटैचे भी हैं और डिफेंस उमूर के एनालिस्ट भी। ब्रिगेडियर साहब फरमाइएगा, 80s में तो यह तसव्वुर नहीं हो सकता था कि यह रशियन मिलिट्री डेलीगेशन आएगा यहाँ वाना में और मीरानशाह में, वो हमारे मिलिट्री ऑफिसर के साथ विजिट कर रहा होगा, उनकी स्पेशल फोर्सेस हमारे साथ जॉइंट एक्सरसाइजेस कर रही होंगे। आप उस जमाने में खुद बड़े गौर से इन तमाम चीजों में और बड़े एक्टिवली इन्वॉल्व थे, अभी आप कैसे देख रहे हैं इस चीज को, ये इसकी क्या इंटरप्रिटेशन है? ये बहुत ही दिलचस्प और एक गैर मामूली डेवलपमेंट है कि पाकिस्तान और रूस के जो दिफाई जो वो हैं ताल्लुकात, उनमें काफ़ी हद तक और तेज़ी से इजाफा होता जा रहा है। अभी इतिहाद की तरफ तो हम नहीं देख रहे हैं, लेकिन जो ये आप ने जिक्र किया पिछले साल जो सितंबर में वहाँ पर चराट में स्पेशल फोर्सेस की एक्सरसाइज हुई, फ्रेंडशिप एक्सरसाइज थी, इससे पहले भी 2014 में अरेबियन मानसून एक बहरिया की एक्सरसाइज थी, उसमें पाकिस्तान और रूस के दस्तों ने हिस्सा लिया, फिर अरेबियन मानसून 2015 में हुई उसमें भी, तो तीन ये हो चुके हैं।
इस तरह दिफाई जो वो है साजो सामान है, 4 MI-35 हेलीकॉप्टर्स जो है वो पाकिस्तान उनका सौदा कर रहा है और शायद SU-35 के ऊपर भी कुछ बातचीत चल रही होगी। तो ये एक नए इत्तेहाद जो है ना ये उफक पे आपको नजर आना शुरू हो गए हैं। और इसको अगर आप इसकी पीछे चले जाए, थोड़ा अरसा पहले ही चले जाए, तो जो यूक्रेन में मसाइल पैदा हो गए थे रूस के और मगरबी ममालिक के और अमरीका बशमूल, तो चीन जो था वो रूस के पीछे खड़ा हो गया था और उसमें उसने रूस की पुष्पनाही की। अभी चीन पाकिस्तान का करीबी दोस्त है, एक ये आंसर है कि पाकिस्तान और रूस जो है वो उसी इत्तेहाद में। दरअसल ये जब आप बात करते हैं पाकिस्तान और रूस के इन नए गर्मजोशी की तरफ बढ़ते हुए ताल्लुकात में, तो इसका एक लाजमी जुज कहते हैं आप के चीन है। ये जो ताल्लुकात हैं ये पाकिस्तान रूस खाली नहीं है बल्कि ये पाकिस्तान रूस चीन ताल्लुकात हैं, ये तिकोन है। बिल्कुल, इस और इसमें तुर्की भी दिलचस्पी रखता है कि इस तिकोन के अंदर इसको चार तरफ बनाया जाए और एक स्क्वायर की शक्ल में आए। और इसमें जो तुर्क के सदर हैं जनाब अर्दवान साहब, उन्होंने भी दिलचस्पी जाहिर की है कि वो इस इत्तेहाद में शामिल हो जाएं। और इसका महफर जो है वो इस वक्त अफगानिस्तान है, वहां पर जो 19वीं सदी की ग्रेट गेम है उसने एक नई शक्ल इख्तियार कर ली है और उसमें उस वक्त रूस शामिल था और अभी अमेरिका है बीच में और उसके इत्तेहादी हैं। पाकिस्तान जो है वो इसमें भी दिलचस्पी रखता है, तो इस पूरे खत्ते में एक नई ग्रेट गेम जो है वो शुरू है और इन्फ्लुएंस गेन करने की कोशिश कर रहे हैं। इस मामले में इस वक्त जो सबसे सिग्निफिकेंट प्लेयर है, इस इलाके से तो ताल्लुक नहीं है मगर इस वक्त सबसे इंपॉर्टेंट प्लेयर तो खुद यूनाइटेड स्टेट्स है, वहां पर इस्तराब होगा इस पूरे मामले के हवाले से कि ये क्या कुछ हो रहा है और पाकिस्तान से इतलात के मुताबिक कहा जा रहा है कि भाई ये क्या हो रहा है, आप क्या ये इस तरह से क्या ये डेवलपमेंट्स पे वहां पे कुछ बेचैनी होगी आपके ख्याल में वाशिंगटन में? इंतहाई बेचैनी अगर आप देख रहे हैं इसको तो बिल्कुल बेचैनी है, क्योंकि अब अमेरिका को आप रद्द नहीं कर सकते हैं या उसको आप साइडलाइन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जो अफगानिस्तान में उस वक्त की फौजी वहां नेटो की और अमेरिका की एक फौजी कुव्वत मौजूद है, उसके अलावा वो अफगान जो नेशनल सिक्योरिटी फोर्सेस हैं जिसको $4 बिलियन सालाना चाहिए होते हैं वो अमेरिका और उसके इत्तेहादी दे रहे हैं, जो 3-4 अरब डॉलर उसको इक्तिसादी इमदाद चाहिए सालाना वो अमेरिकी और उसके इत्तेहादी दे रहे हैं। तो आप अमेरिका को रद्द नहीं कर सकते, लेकिन ये गेम तो जारी है। अगर आपने देखा है क्वाड्रिलेटरल कोऑर्डिनेशन ग्रुप पहले बना अमेरिका के जेर साया है, उसमें चीन पाकिस्तान अफगानिस्तान और जो है अमेरिका शामिल थे, उसके ऊपर रूस को तश्वीश थी तो रूस ने अपना एक ग्रुप बनाया जिसके पहले भी एक वो हो चुका है और अभी 14 अप्रैल को गालिबन दोबारा जो है ना मॉस्को में इसके ऊपर कॉन्फ्रेंस हो रही है और उसमें अमेरिका शामिल नहीं है। तो ये बिल्कुल जो है रूस जो है वो अफगानिस्तान को एक अपना जेर असर लाने की कोशिश कर रहा है, उसको पता है कि तालिबान जो है उनका अफगानिस्तान के बाहर कोई उनका हदफ नहीं है, वो सिर्फ अफगानिस्तान की सरहद के अंदर एक तहरीक है, ना वो अलकायदा है ना वो दाइश है जिसको रूस से ज्यादा खतरा है। और वो समझते हैं कि पाकिस्तान चूंकि तालिबान के साथ उनके रवाबित हैं तो पाकिस्तान को भी इसमें शामिल करना चाहिए। इसके अलावा जो हमने पहले बात की थी कि पाकिस्तान और रूस के पाकिस्तान और चीन के ताल्लुकात का भी एक फैक्टर जरूर है। बहुत बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर रिटायर्ड साध महमूद हमारे साथ थे। कमर से ब्रेक और उसके बाद जिक्र करेंगे एक शहरी मसाइल के हवाले से। कराची में एहतजाज का मौसम शुरू हो गया है, शहरियों को सड़कों पर लाना और कराची के शहरी मसाइल के हवाले से भरपूर एहतजाज। जमात इस्लामी ने आज बड़ा एहतजाज किया कराची के मरकज में शारा फैसल को और कराची की सड़कों को जाम कर दिया। इसके अलावा जिक्र होगा मौलाना अब्दुल सत्तार ईदी का अब सिक्का चलेगा। जी हाँ, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने अब्दुल सत्तार ईदी सिक्का जारी कर दिया है, इसकी भी बात करेंगे छोटे से वक्त के बाद। वाज़ेह तौर पर लगता है कि कराची के शहरी मसाइल के हवाले से खास तौर पर इलेक्शन से पहले इस फैसला कुन साल में अवामी तवज्जो हासिल करने का दौर शुरू हो गया है और सबसे बड़े शहरी मसाइल के हवाले से एहतजाज का दौर भी शुरू हो गया है। जमात इस्लामी पिछले कई रोज़ से कराची के शहरी मसाइल के हवाले से खास तौर पर बिजली के मसाइल के हवाले से के इलेक्ट्रिक के हवाले से अपना एहतजाज रिकॉर्ड करा रही है। आज उसका जो एहतजाज हुआ है वो सबसे मौसर एहतजाज था। अगर मौसर होने की शर्त यह है कि शहर में इसकी गूंज सुनाई दे और इसकी वजह से शहरी एक सूरत हाल पूरे शहर में पैदा हो, वो सूरत हाल पैदा हो गई। आज तकरीबन सारे शहर का
ٹریفک جیم ہو گیا مغرب کے قریب جب جماعت اسلامی اپنا احتجاج کر رہی تھی اور پولیس اس کی مزاحمت کر رہی تھی کہ الیکٹرک کے بلوں کے حوالے سے یہ احتجاج تھا اور اس کا مرکز تھا شارع فیصل اور کراچی کی شارع فیصل کا نرسری کا علاقہ جہاں پر آج کافی عرصے کے بعد کراچی میں لوگوں نے آنسو گیس کی جو اسمیل ہے وہ سنی کیونکہ یہاں پہ ٹیئر گیس شیل فائل کیے پولیس نے لاٹھی چارج بھی کیا گرفتاریاں بھی کی وہ جو پورا سین ہوتا ہے بھرپور احتجاج کا وہ آج نظر آیا جماعت اسلامی اس کو لیڈ کر رہی تھی اس کے کراچی کے صدر حافظ نعیم الرحمان اور اس کے کئی کارکنوں کو آج گرفتار بھی کیا گیا بعد میں ان کو رہا بھی کیا گیا ایک پورا سین تھا کراچی کے احتجاجی ماحول کا جو آج دیکھنے میں آیا ڈھائی کروڑ لوگ پریشان ہیں اوور بلنگ سے لوڈ شیڈنگ سے میٹر رینٹ سے جالی یہ تیز میٹروں سے ہم حالات بگاڑنے والے لوگ نہیں ہیں ہم تشدد کرنے والے لوگ نہیں ہیں لیکن ہم یہ ضرور کہتے ہیں کہ کراچی کے حقوق پہ ڈاکہ نہیں ڈالنے دیں گے یہ ساری جو اس طرح کی پارٹیاں ہیں جنہوں نے اب تک سودا کرتی رہی ہیں بیچتی رہی ہیں اس کے الیکٹرک کو انہوں نے تو کچھ نہیں کیا نمائندگی کی ہے اس شہر نمائندہ قبضہ کیا ہے نمائندگی پر ایک بڑی مثبت پیش رفت ہوئی ہے اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے آج ہمارے مشہور عالمی شہرت یافتہ سماجی کارکن مولانا عبدالستار عیدی مرحوم کی خدمات کے اعتراف میں 50 روپے کا یادگاری سکہ جاری کر دیا ہے یادگاری سکہ جاری کرنے کا فیصلہ پچھلے سال وفاقی کابینہ نے کیا تھا یہ ایک بہت ایکسیپشنل چیز ہے عیدی صاحب کا انتقال 88 سال کی عمر میں ہوا تھا پچھلی جولائی میں اور انہوں نے اب اپنی تنظیم کے ذریعے جن کروڑوں افراد کو سہارا دیا یہ تنظیم آگے بڑھ رہی ہے اس سے پہلے کراچی میں ڈیفنس اتھارٹی نے اپنی سب سے اہم شاہراہ جو سمندر پہ چلتی ہے بیچ ایونیو کا نام تبدیل کر کے عبدالستار ایونیو رکھ دیا تھا جبکہ پاکستان ہاکی فیڈریشن نے ہاکی اسٹیڈیم کو عبدالستار عیدی سے منسوب کیا تھا اب اسٹیٹ بینک آف پاکستان کا یہ فیصلہ کہ پاکستان میں عیدی کا سکہ چلے یہ سب سے منفرد اور اہم فیصلہ ہے اس پر ہم آپ کو دکھاتے ہیں اپنے نمائندے حماد عالم کی یہ رپورٹ بے یارو مددگار طبقے کو سہارا دینے والی عیدی فاؤنڈیشن کے سربراہ فرشتہ صرف مرحوم عبدالستار عیدی کی خدمات کے اعتراف میں اسٹیٹ بینک نے 50 روپے کا یادگاری سکہ جاری کر دیا پاکستان کی تاریخ میں اب تک 5 افراد کے لیے یادگاری سکے جاری کیے گئے ہیں انسانیت کے سب سے بڑے خدمتگار اور لاوارثوں کے وارث مرحوم عبدالستار عیدی سے قبل قائد اعظم محمد علی جناح علامہ اقبال فاطمہ جناح اور بے نظیر بھٹو کے لیے بھی اسٹیٹ بینک کی جانب سے یادگاری سکے جاری کیے گئے سماجی شعبے سے منسلک عیدی صاحب پہلی شخصیت ہیں جنہیں اس اعزاز سے نوازا گیا یادگاری سکہ ہو تصویری نمائش ہو یا کوئی اور اعزاز یہ تمام چیزیں عیدی صاحب کی خدمات کا احاطہ نہیں کر سکتی قومی ہیرو اور مسیحائی کے پیکر مرحوم عبدالستار عیدی کے بیٹے فیصل عیدی نے حکومت اور مرکزی بینک کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ انسانیت کے سب سے بڑے خدمتگار عبدالستار عیدی کا مشن اسی طرح جاری رہے گا عیدی صاحب جو ہیں وہ آج بھی ہمارے دلوں میں زندہ ہیں اور ان کے مشن کو ہم انشاءاللہ سب مل کے جاری رکھیں گے اور انسانیت کے اس مشن کو تا قیامت تک چلنا چاہیے تاکہ جو ہے وہ پاکستان کا نام بھی جو ہے وہ ہمیشہ روشن رہے اسٹیٹ بینک نے ہر دل عزیز اور انسانیت کے محسن عبدالستار عیدی کی خدمات کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے 50,000 سکے جاری کیے ہیں جو پیر سے ملک بھر میں قائم مرکزی بینک کے دفاتر سے حاصل کیے جا سکتے ہیں کمرشل بریک اس دوران آپ نیوز ہیڈ لائن دیکھیں گے اور اس کے بعد آج کے دوسرے اہم گرما گرم موضوعات معاملہ ڈاکٹر عاصم کی رہائی کا جس سے متعلق فوج کو تحفظات ہیں ڈاکٹر عاصم حسین کے خلاف تحقیقات میں اداروں کے پاس کافی مواد تھا لیکن ڈاکٹر عاصم کی رہائی اور شرجیل میمن کی واپسی سیاسی جماعتوں کی آپس کی ڈیل ہے فوج ڈاکٹر عاصم کی رہائی اور ای سی ایل میں نام سے متعلق ڈیل کا حصہ محمد عمران اس بابت مزید بتائیں گے محمد عمران ڈاکٹر عاصم حسین کی رہائی کراچی آپریشن پر سوالیہ نشان ہے
جی بالکل، اس حوالے سے جو ہمارے ذرائع کا کہنا ہے کہ یہ جو امپریشن دیا جا رہا ہے بڑے تواتر کے ساتھ کہ شاید جو اس وقت ملک کی جو سیاسی صورتحال ڈیولپ ہو رہی ہے، خصوصی طور پہ جو ڈاکٹر عاصم کی رہائی اور شیل میمن کی جو واپسی ہے، اس حوالے سے یہ کہا جا رہا تھا کہ شاید اس سارے معاملے میں فوج بھی اپنا کہیں کوئی کردار ادا کر رہی ہے، لیکن ہمارے ہر درجہ مستند ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ فوج کا اس حوالے سے کسی قسم کا کوئی کردار نہیں ہے، یہ دو سیاسی جماعتوں کی آپس کی ڈیل کا نتیجہ ہے، لیکن اس حوالے سے فوج کو دانستہ جو ہے اس سارے معاملے میں غلط فہمیاں بھرا کر جو ہے وہ گھسیٹنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ یہ بھی کہنا ہے کہ جو ڈاکٹر عاصم کے کیس کے حوالے سے جو ان کے اوپر جو کرپشن کے چارجز تھے، اور اس کے علاوہ جو ان کے ہاسپٹل میں جو ہے وہ ٹارگٹ کلر اور دوسروں کے علاج کے معاملات تھے، اس کے اوپر نہ صرف جو ہے حساس اداروں نے بلکہ اس کے علاوہ رینجرز نے بھی بڑا کام کیا تھا، اور جو رہائی ہے اور جو اس وقت جو ساری صورتحال ڈیولپ ہو رہی ہے اس میں وہ ساری کوششوں کو جو ہے وہ انڈر مائن کیا جا رہا ہے، اور اس حوالے سے یقیناً تحفظات بھی موجود ہیں کہ انتہائی مستند جو ہے وہ مواد ہونے کے باوجود جو ہے ان کی رہائی جو ہے وہ عمل میں آئی ہے، تو اس سارے معاملے میں جو ہے تحفظات ضرور موجود ہیں، اور یہ جو تاثر دیا جا رہا ہے مسلسل کہ شاید فوج اس ساری یہ تاثر غلط ہے۔ محمد عمران بہت شکریہ آپ کا۔ آپ دیکھ رہے ہیں خبروں، تبصروں اور تجزیات پر مبنی پاکستان کا سب سے معتبر نیوز شو دنیا کامران خان کے ساتھ۔ کراچی والوں کو افسوس ہے کہ آج تک اس شہر کی ٹوٹی ہوئی تباہ حال سڑکوں کے حوالے سے کوئی بھی بڑا احتجاجی منظر دیکھنے میں نہیں آیا ہے، کبھی کوئی بھرپور دھرنا دیکھنے میں نہیں آیا ہے۔ کراچی کی ٹوٹی ہوئی بسوں اور ان کی چھتوں پہ چڑھے مسافروں میں اور ان پہ لٹے ہوئے مسافروں پر کبھی کوئی بڑا احتجاج نہیں ہوا ہے، حکومت کے خلاف کوئی تحریک چلانے کی دھمکی نہیں ہوئی ہے، کوئی دھرنا آج تک نہیں ہوا ہے۔ کراچی والے اس بات پر بھی افسوس کرتے ہیں کہ پینے کے پانی کی قلت ہو، کوڑے ہٹانے کی بات ہو، اور یہ پورے شہر میں پھیلے ہوئے کوڑے کے ڈھیر ہو، اس کو ہٹانے کے لیے کوئی دھرنا، کوئی بڑا احتجاج نہیں ہوا ہے، کوئی 24 گھنٹے کا نوٹس نہیں دیا گیا ہے، نہ ہی چائنا کٹنگ کے حوالے سے، سرکاری زمینوں پر قبضہ کرنے کے حوالے سے کبھی کسی نے آواز اٹھائی ہے، نہ ہی کوئی بڑا دھرنا دیا ہے، نہ ہی لوگ پکڑے گئے ہیں، رینجرز نے کچھ ابھی کارروائی کی ہے، مگر چائنا کٹنگ جس نے پورے شہر کو تباہ برباد کر دیا ہے، اس کے خلاف کوئی احتجاج نہیں ہوا ہے۔ کراچی کے دسیوں باغ اجڑ گئے، یہ تباہ حال ہو گئے، یہ کبھی لہلہاتے ہوئے باغ ویران ہو گئے، مگر ابھی تک کسی نے اس کے خلاف آواز نہیں اٹھائی ہے، اور نہ ہی کسی نے آواز اٹھائی ہے ان دسیوں باغوں کے حوالے سے جن کو مسمار کر کے، جن کو اجاڑ کے وہاں پہ فلیٹ بنا دیے گئے، عمارتیں کھڑی کر دی گئیں۔ لیکن کراچی کے اجڑے ہوئے باغ ابن قاسم کو کل جب یہ خبر آئی کہ اسے دوبارہ بسانے کی بات کی جا رہی ہے اور اسے بحریہ ٹاؤن کے حوالے کیا جا رہا ہے، حکومت سندھ اپنی بے بسی کا اعتراف کر رہی ہے، اپنی نااہلی کا اعتراف کر رہی ہے، اور کراچی کا یہ سب سے بڑا باغ جو ہے وہ مجبور ہو رہی ہے کہ ایک نجی ادارے کو دے جس نے رضاکارانہ طور پہ اسے قبول کیا اور اسے دوبارہ ہرا بھرا کرنے کی حامی بھری، تو لگا کہ ایک طوفان کھڑا ہو گیا ہے، اور آج اس کی گونج ہر طرف سنائی دی گئی، اور خاص طور پہ آج صبح اسمبلی سندھ کے اجلاس میں اس موضوع کے علاوہ کوئی اور بات نہیں ہوئی۔ اس باغ کو بیابان بننے دیا گیا پیسے نہ دے کے، اور جب بیابان بن جائے تو اس کے بعد یہ کہا جائے کہ ہم احسان کر رہے ہیں اڈاپٹ کروا کے، اور اڈاپشن ایسی کہ اس میں کمرشل یوز کا اختیار دیا گیا ہے۔ کراچی شہر کے اوپر پارکوں کے قبضہ، 300 پارکوں کے اوپر قبضہ کسی نے ہاتھ لے کے کیا تھا، ہم پارک بنانے جا رہے ہیں۔ یہ کہا جا رہا ہے کہ صبح 6 سے 9 تک پارک کھلے گا لوگوں کے لیے، اور شام 4 کے بعد کسی کا دفتر بن رہا ہے، کسی کا پارکنگ پلازا بن رہا ہے، کسی کو کمرشل ایکٹیویٹی کی اجازت نہیں دیں گے، کسی کو آفس بنانے نہیں دیں گے، لوگوں کے لیے یہ پارک اوپن ہوگا۔ یہ ہم نہیں ہونے دیں گے، ہم اس کو نہیں مانتے، ہم اس پارک میں بھی جائیں گے، میئر احتجاج کریں گے، کراچی کے شہری احتجاج کریں گے، سڑک پر جائیں گے، عوام کی عدالت میں جائیں گے، عدالت میں جائیں گے۔ کوئی بندہ وہاں پہ فری آف کاسٹ کوئی سروس کرنا چاہ رہا ہے، اگر وہ سروس التا حسین کے نام پہ یونیورسٹی بنانے کی ہو تو صحیح ہے، لوگوں کے لیے ہو تو وہ غلط ہے۔
کسی نے یہ بات نہیں کی کہ کراچی میں جو کبھی سٹیٹ آف دی آرٹ اور سرسبز و شاداب اور خوبصورت یہ جو باغ ابن قاسم ہوا کرتا تھا، جو کہ واقعی کراچی کا ایک شاہکار باغ ہوتا تھا، وہ سالوں سے اب اجاڑ ابن قاسم ہو چکا ہے۔ یہ باغ ابن قاسم اجاڑ ابن قاسم ہو چکا ہے، جہاں دن جگمگاتا تھا، جہاں راتیں بھی سونے کا نام نہیں لیتی تھی، وہ جہاں پہ ڈراموں کی شوٹنگز ہوتی تھی، موویز کی شوٹنگز ہوتی تھی، وہ سال کئی سالوں سے بالکل اجڑ چکا ہے، بنجر ہو چکا ہے، ٹوٹ پھوٹ اور گندگی کا شکار ہو چکا ہے۔ مگر جب یہ حالت تھی تو اس پہ کسی کا احتجاج نہیں تھا، کوئی پریشر نہیں تھا صوبائی حکومت سندھ پہ کہ خدا کو مانو، دیکھو اس باغ کا کیا حال ہے، دیکھو دوسرے درجنوں باغ جو لہلہاتے تھے کراچی میں وہ تباہ برباد ہو گئے، اس کو کیوں نہیں ٹھیک کرتے، اور اس کے حوالے سے کوئی احتجاج دیکھنے میں نہیں آیا۔ یہ باغ ابن قاسم ہوتا کیا تھا یہ کسی نے آج آپ کو نہیں بتایا، یہ ہم آپ کو دکھاتے ہیں، اور یہ بھی دکھاتے ہیں کہ آج یہ کس صورتحال میں تھا جب آج اس حوالے سے یہ شور نظر آیا ہے، یہ ہنگامہ نظر آیا ہے۔ باغ ابن قاسم کا ماضی اور باغ ابن قاسم کیا حال دیکھیے ہماری اس خصوصی رپورٹ میں۔ سابق ناظم کراچی سید مصطفیٰ کمال کے دور نظامت میں کراچی میں ساحل کے نزدیک 130 ایکڑ رقبے پر تقریباً 70 کروڑ روپے کی لاگت سے کراچی والوں کو باغ ابن قاسم کا تحفہ ملا تھا۔ 27 فروری 2007 کو سابق صدر پرویز مشرف نے باغ ابن قاسم کا افتتاح کیا تھا۔ ہرے بھرے لہلہاتے باغ ابن قاسم کی رونق دن اور رات کا فرق ہونے نہیں دیتی تھی۔ آئیے اب آپ کو اسی باغ ابن قاسم کی موجودہ حالت دکھاتے ہیں، جو صحرائی علاقے میں بدلتا دکھائی دے رہا ہے۔ باغ ابن قاسم جو کبھی کراچی کے تفریح مقامات کی شان سمجھا جاتا تھا، آج مکمل طور پر اجڑ چکا ہے۔ اس پارک کی بربادی کی داستان آپ کو کیا سنائے، خود ہی دیکھ لیجئے، گھاس اور ہریالی سرے سے ختم ہو گئی ہے، پھول پودے تو کیا، درخت تک مرجھائے نظر آتے ہیں۔ جہاں کبھی فیملیز اور بچوں کا رش ہوا کرتا تھا، اب وہاں آوارہ کتے گھومتے نظر آتے ہیں۔ باغ کی جو راہداریاں جگمگ کرتی تھی، وہاں لائٹیں ٹوٹ چکی ہیں، یعنی مناسب دیکھ بھال نہ ہونے پر صرف 10 سال کے عرصے میں ماضی کا شاندار باغ ابن قاسم اب آثار قدیمہ کا منظر پیش کرنے لگا ہے۔ یہ ہے وہ کیفیت باغ ابن قاسم کی جو کہ ابھی آپ نے دیکھی، جس کو باغ ابن قاسم نہیں کہا جا سکتا، اسے اجاڑ ابن قاسم ہی کہا جا سکتا ہے، جس کے حوالے سے کل سندھ حکومت نے ہتھیار ڈال دیے۔ اس نے کہا کہ وہ واقعی اب اس کو نہیں سنبھال سکتی، اور پھر یہ باغ حوالے کیا گیا بحریہ ٹاؤن کے، جس نے کہ حالیہ دنوں میں ضلع وسطی میں صفائی کی ایک بڑی مہم چلائی۔ بحریہ ٹاؤن نے پہلے حکومت سندھ سے کہا تھا کہ اگر اسے یہ باغ دیا جائے تو وہ شہریوں کے لیے اس باغ کو دوبارہ آباد کر سکتی ہے، اس کو لہلہایا جا سکتا ہے۔ متحدہ قومی موومنٹ پاکستان جو کہ اس وقت اکثریتی جماعت ہے، سندھ کے شہری علاقوں کی ریپرزنٹیٹو ہے، اس نے اس پہ شدید احتجاج کیا، اور اس حوالے سے متحدہ قومی موومنٹ جس کی کراچی میں بلدیاتی اکثریت بھی ہے، اس کے میئر نے، اس جماعت نے کہا کہ اس باغ کو اصل میں تجارتی بنیادوں پہ بحریہ ٹاؤن کو دیا جا رہا ہے، اس کے تجارتی مقاصد ہیں، اس میں میئر کو شامل نہیں کیا گیا ہے، اس کو کسی کمرشل پروجیکٹ کی پارکنگ کے طور پہ بنایا جا رہا ہے، اس کے پیچھے الٹیریئر موٹیوز ہیں، اور اس حوالے سے بھرپور احتجاج کیا، اور جس کے نتیجے میں فوری طور پہ آج خبریں آئی کہ بحریہ ٹاؤن نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ جو رضاکارانہ طور پہ اس باغ کو اڈاپٹ کرنا چاہتی تھی، وہ اس فیصلے کو واپس لیتی ہے۔ اس پورے معاملے پہ بات کرتے ہیں، اور اس کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں کراچی کے میئر جناب وسیم اختر، جن کے اختیارات کے حوالے سے، جن کے ریسورسز کے حوالے سے اس پروگرام میں ہم دسیوں بار آپ کو بتا چکے ہیں کہ اتنا بے بس اور اتنا بے اختیار میئر پوری دنیا میں ابھی موجود نہیں ہے۔ ہمارے اسی پروگرام میں جوائن کر رہے ہیں بحریہ ٹاؤن کے چیئرمین جناب ملک ریاض حسین، جو کہ لاہور سے ہمیں جوائن کر رہے ہیں۔ ملک صاحب، کہا ہی جا رہا ہے کہ دراصل آپ نے جب اس باغ کو قبول کیا تو اس کے پیچھے تجارتی مقاصد تھے، اس میں شکے موجود ہیں کہ اس میں آپ کو کمرشل فائدہ ہوگا، اور اس میں آپ شاید کوئی پارکنگ بنائیں گے، قریبی جو کمرشل پروجیکٹ ہے، آپ کہ کیا اس کا بیک گراؤنڈ ہے، اور یہ جو چارجز تھے اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ کامران بھائی، اللہ پاک کے کرم سے میں 20 سال میں سے بالفعل کا کام کر رہا ہوں، اور آج دن تک ہمارا مقصد ہمیشہ ہی نیک نیتی رہا ہے
किसी तजारती मकासद और किसी भी मकासद के लिए ये पार्क नहीं लिया जा रहा था। मेरी बात हुई थी 10 पार्क के लिए कि कराची के 10 पार्क को बैरियर टाउन अडॉप्ट करता है और उसको लोगों में खुशियां बांटी जाएं। कराची में लोगों के पास कोई जगह नहीं जाने की, हमारे बैरियर टाउन अभी कंप्लीट भी नहीं हुआ तो वहाँ हज़ारों लोग कामरान भाई आते हैं, लोग पिकनिक मना रहे हैं। तो इस पार्क को के ऊपर हमने 25 करोड़ रुपया स्टार्ट में लगा के इसको रिस्टोर करना था, 25 से 30 लाख रुपया महीना इसका खर्च करना था। और इसकी एक क्लास मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूँ जो ख्वाजा दारुल हसन साहब को कहीं किसी ने मिसगाइड किया है कि उन्होंने कहा कि 8 कनाल जगह इसमें कमर्शियल के लिए है, इसमें 1 इंच जगह भी हमने कमर्शियल के लिए नहीं रखी हुई। ना कमर्शियल बुनियादों पर मैं काम करता हूँ ना गवर्नमेंट के साथ। 5 मई 1986 और टिल टुडे 10 रुपए का काम कामरान भाई हमने नहीं किया और ना करेंगे, ना गवर्नमेंट का। तो 16 करोड़ क्या है मलिक साहब, ये फरमाइएगा कि क्यों आप कहते हैं कि मैं इस इलाके की सफाई कर दूंगा, मुझे ये 10 बाग दे दो मैं इसको ठीक कर दूंगा, बहरिया ये बागर में कासिम में हम 25 करोड़ रुपए जेब से लगा के इसको हर, क्या मसला क्या, क्यों आप कहते हैं ये कामरान भाई? इस तरह से फिर आप मुझे कहेंगे आप दस्तरखान क्यों चलाते हैं, आप वेलफेयर के हॉस्पिटल क्यों चलाते हैं, आप 20 साल से ये मैं अपने अल्लाह को खुश कर रहा हूं कामरान भाई, ना मैं किसी को, मैं उन उस मखलूक के लिए काम कर रहा हूं जिसको कुछ नहीं मिल रहा। तो अगर मैं ये मेरे काम में नेक नीति नहीं है तो फिर अब तक तो किसी ने मेरे ऊपर उंगली नहीं उठाई। लेकिन एक मिनट मुझे दीजिएगा, मैं कमर्शियल ये क्लास 11 है, बैरियर टाउन विल नॉट चूज द पार्क फॉर कमर्शियल पर्पज। However, for facilitation of the general public, small food and kiosk and limited entertainment area may be set up. The park will not be used by function, marriage and other commercial or political purpose. समझ में आ गया। आप मुझे बताएं 8 कनाल कहाँ है, ख्वाजा साहब फरमा रहे थे, मैंने सुबह मेयर साहब से भी बात की थी, मैंने कहा जी आप स्टेक होल्डर हैं, जब तक आप लोग सारे इकट्ठे नहीं होंगे मैं किसी कंट्रोवर्सी में नहीं जाना चाहता, मैं एक पैसा भी लगाऊं अगर आप लोग भी नाराज हो तो मुझे क्या जरूरत है, आपका कराची शहर है, मेरा भी कराची शहर है, मैं भी कराची का स्टेक होल्डर हूँ। ठीक है, मैं कराची को ठीक करना चाहता हूँ, सब लोग राजी होंगे तो मैं करूँ। वसीम अख्तर साहब आप बताइए कि आज जो जिस चीज पे आपने एहतजाज किया, कल जो एहतजाज किया, जो सुबह असेंबली में किया, अब ये मलिक साहब कह रहे हैं कि वो बैरियर ये बाग इब्ने कासिम से हाथ उठाते हैं और वो ये कह रहे हैं कि उनका कोई तिजारती एक पैसे का भी इसमें इंटरेस्ट नहीं था। आपको ये कैंपेन में जो आपने एहतजाज किया कामयाबी हो गई, अब इस सिलसिले में फ्यूचर क्या होगा, ये बाग इब्ने कासिम को आप अडॉप्ट करेंगे, आप बनाएंगे या क्या, अब आप बताइए ना शहरियों को कि इसको किसी सूरत से इस उजड़े इब्ने कासिम को बाग इब्ने कासिम बनाने के लिए क्या किया जाएगा। आज की कैंपेन का फायदा तो हो गया, मलिक साहब ने हाथ उठा लिया इसमें से। देखें, मैंने इसलिए अपना एहतजाज रिकॉर्ड नहीं कराया था कि कोई फायदा हो मुझे या कोई इस अच्छे काम को रोक दे। मैंने डायरेक्शन दिखाई थी गवर्नमेंट ऑफ सिंध को कि जिस तरीके से वो अडॉप्ट करवाना चाह रहे हैं पाक, ऐसे नहीं होता है, प्रोसीजर है इसका, एक कोडल फॉर्मेलिटी होती है। आपको काउंसिल से, ये जमीन केएमसी की है, आप केएमसी के बगैर ये किसी को नहीं दे सकते, आपको पब्लिक इंटरेस्ट कॉल करना होगा, आपको काउंसिल से रेजोल्यूशन पास करानी होगी, ये पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेटर से काम लेने से हिली हुई है, आदि हो गई है। मैं उनको डायरेक्शन दिखाना चाह रहा था, अब थर्ड ईयर ऑफ गवर्नमेंट आ गई है, काउंसिल है और मैं अडॉप्ट करने के अगेंस्ट नहीं हूं, प्रोसीजर अडॉप्ट किया जाए पूरा, मेयर के अंडर में है ये काउंसिल। अच्छा, तो हमें ऑन बोर्ड नहीं किया गया। आप क्या कह रहे हैं हुकूमत सिंध से, अब आप कह रहे हैं हुकूमत सिंध से कि आपके थ्रू और इस प्रोसीजर के थ्रू जो कि आप कहते हैं कानूनी प्रोसीजर है उसके थ्रू हो तो आप वेलकम करेंगे इस मूव को, इस मूव की बैरियर टाउन की कि वो बाग इब्ने कासिम को एडॉप्ट कर ले और जो जैसा कि मलिक साहब ने कहा कि वो इसको एक हरा भरा बाग बनाना चाहते हैं शहरियों के लिए विदाउट एनी कमर्शियल इंटरेस्ट, तो आप इसको सपोर्ट करेंगे फिर इस चीज को? मैंने जो काम किया है मैं समझता हूं नेक नियति से और मलिक साहब की बेहतरी के लिए किया है। इनके लीगल एडवाइजर्स ने इनको ये कहीं नहीं बताया कि ये जमीन केएमसी की है, केएमसी से एग्रीमेंट करे,
गवर्नमेंट ऑफ सिंध से एग्रीमेंट नहीं कर सकते। मैं बिल्कुल राजी हूं कोडल फॉर्मेलिटी पूरी करें, मैं तो खुश हूंगा। ये बाग बना देंगे, मैं नहीं बना सकता ये बाग, मेरे पास पैसे नहीं है ये बनाने के। तो इसमें मिसट्रस्ट है सिंध गवर्नमेंट के साथ। माजी में ऐसी मिसालें हैं कि अगर एक दुकान खोली गई किसी पकोड़े की या चाय की तो वहां फिर लाइन लग जाती है, फिर देखने वाले नहीं होंगे, मलिक साहब अपने कामों में बिजी होंगे। जो इस बाग के साथ होगा वो हम जानते हैं। फिर कमर्शियल एक्टिविटीज नहीं होनी चाहिए, लेकिन करें मलिक साहब, मैं साथ दूंगा, मैं सामने खड़ा होकर बनवाऊंगा। वसीम भाई ये बताइएगा कि ये तो बाग इब्न कासिम में ये आ गए बहरिया टाउन, इन्होंने कहा कि हम इसको बना देते हैं, ये शहर का सबसे बड़ा बाग है, लेकिन सिर्फ यही तो नहीं है, ये आपकी हुकूमत के जमाने में ये जो दसियों बाग खुले हैं, ये दसियों जो बाग खुले हैं जो तबाह बर्बाद हो गए, जो बिल्कुल खत्म हो गए, आखिर उस पर भी तो कोई सदा एहतजाज होना चाहिए, उसके लिए तो कुछ उसको आबाद करने के लिए कोई एक्शन प्लान होना चाहिए। जितनी कुव्वत से आज MQM पाकिस्तान ने इसकी मुखालफत की है, जो बयान दिए हैं, तकरीरें की हैं, वो जो उजड़ गए, ये जो आपके हाथ के बने हुए बाग लहलाते थे ये तमाम बर्बाद हो गए, इसके लिए भी तो कुछ कीजिए ना। ये जो इसके लिए इस वक्त तो मैं सिर्फ बागों की बात कर रहा हूं, टूटी हुई सड़कों की बात नहीं कर रहा, उन कचरों के ढेरों की बात नहीं कर रहा कि उसमें भी एक बड़ा काम किया ये बैरियर टाउन ने। क्या उसमें बुराई है जो आप डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के कितने बड़े हिस्से को साफ कर दिया, सड़कें बना दी, फुटपाथ बना दिए, तो ये जो उजड़े हुए बाग दूसरे हैं इनको आबाद करने का भी तो कोई एक्शन प्लान दीजिए, कोई एहतजाजी प्लान दीजिए, कोई धरने का प्लान दीजिए। देखें हमने अपने जमाने में पार्क भी बनाए हैं, बाग भी हरे भरे किए हैं। ये 8 सालों का बिगाड़ है, बाग इब्न कासिम हो या दूसरे पार्क्स हो, 8 सालों में जो पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट रही है इसने एक देहला भी कराची में नहीं लगाया, ये वो रिजल्ट आपके सामने है। लेकिन माफी के साथ, माफी के साथ 8 साल में 5 साल मुझे आप काबीना का हिस्सा तो देने देना, आप काबीना का हिस्सा रहे हैं, आपका गवर्नर रहा है, आप काबीना के सवाल कर रहे हैं ना, आप काबीना का हिस्सा थे उस 8 साल में या नहीं थे? ये गलत है, आप काबीना के हिस्सा नहीं थे, हिस्सा नहीं थे आप, ये गलत है। अच्छा नहीं, ये गलत बात कर रहे हैं आप, मुझे सवाल का जवाब कंप्लीट करने आप फरमाइए। मैं हुकूमत का हिस्सा आता जाता रहा हूं, आता जाता रहा हूं, तो लोकल गवर्नमेंट MQM के पास नहीं थी। तो अगर आपके आपके पास तो कोई जिम्मेदारी, अगर आप पिछला हिस्सा मुझ पर डालना चाह रहे हैं तो हम आगे तो बढ़ ही नहीं रहे। नहीं मैं तो अभी भी राजी हूं, कोडल फॉर्मुलिटी पूरी करनी चाहिए, नहीं नहीं कानूनी तौर पे जो चीजें करनी चाहिए उसको पूरा करें। अच्छा मैं बिल्कुल राजी हूँ अडॉप्ट करने के। अच्छा, मगर जिसकी जमीन है उससे परमिशन लें, वसीम भाई वो परमिशन देगा। ये बताइए कि ये जो एक नॉर्थ नाजमाबाद है इसमें पार्क्स थे, ये पार्क्स खत्म हो गए, उनकी जगह फ्लैट्स बना दिए गए, आपका हुकूमत, आपकी दौर, आपका इलाका, ऐसा हुआ? देखें माजी में बहुत गलतियां हुई हैं, पार्कों पे चाइना कटिंग हुई है, मुझे भी पता है, ग्राउंड पे भी चाइना कटिंग हुई है, मुझे भी पता है ये। अगर ऐसा 8 सालों में फिर जो गलतियां हुई थी उनको, पार्कों को खाली क्यों नहीं कराया पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट ने? आप कह रहे हैं उन पार्कों को ठीक क्यों नहीं किया, कब्जे क्यों नहीं खत्म कराए उन्होंने? अगर ये जो पार्क्स आप नॉर्थ पे इल्जाम लगा रहे हैं या हम आगे की बेहतरी की बात कर रहे हैं? माजी में जो कुछ हुआ आपके सामने है, मैं एक्सेप्ट करता हूं हमारी गलतियां हुई हैं, मगर हम आगे बढ़ रहे हैं। अब ये थर्ड टीयर ऑफ गवर्नमेंट आई है, हम कोशिश कर रहे हैं काम करने की। मलिक साहब से रिक्वेस्ट भी करूंगा कि और भी बहुत सारे पार्क्स हैं, मेरे पास वसाइल नहीं है, मैं आपका साथ दूंगा, मगर कोडल फॉर्मेलिटी पूरी करें। ये इनको बाद में नुकसान होता, खुद को नुकसान होता, मैंने सही डायरेक्शन दिखाई है इनको, तो काउंसिल से पास हुआ रेजोल्यूशन। मलिक साहब ये बताइएगा, ये आज सही बात बता रहा हूँ, सही काम दिखा रहा हूँ, राह दिखा रहा हूँ, बिल्कुल ठीक है। मलिक साहब आप बताइएगा कि ये अभी आपने वसीम अख्तर भाई की गुफ्तगू सुनी है, मेयर कराची है, ये बात इनकी बिल्कुल सही है कि दुनिया के सबसे बेख्तियार, दुनिया के बिल्कुल किसी किस्म का रिसोर्सेज कोई कुछ उनके पास अवेलेबल नहीं है। ये कहते हैं कि क्योंकि कम से कम हमारी पोजीशन को कि हम इस जमीन की KMC ओनर है उसको रिकॉग्नाइज करें, और वो आपको वेलकम करते हैं कि आप इसके अलावा और दूसरे बाग भी अडॉप्ट कर ले। लेकिन ये आज जो पूरी बदमजगी हुई है, पूरा वाकया हुआ है, पहले तो ये बताइए कि बाग इब्ने कासिम के हवाले से अब आपका आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, क्या अब भी आप इसको लेंगे और इसको संवारेंगे क्या?
कामरान भाई, वसीम अख्तर साहब का पॉइंट 100% दुरुस्त होगा क्योंकि वो मेयर कराची हैं, वो इन फॉर्मेलिटी को समझते हैं। एक आम शहरी जो पंजाब में बैठा है वो कराची की इस फॉर्मेलिटी को नहीं समझता। अगर मुझे ये पता होता और मुझे ये पता होता कि वसीम अख्तर साहब इस पर इतराज़ करेंगे तो मैं इतना पागल आदमी नहीं हूँ कि मैं इसमें एंटर हो जाता और मैं इसको एग्री अडॉप्ट भी कर लेता। हमें नहीं पता कि ये किसकी प्रॉपर्टी है और कौन इसका मालिक है। मुझे तो लगता है इसका कोई मालिक था ही नहीं, ना है ना होगा। जो पार्क आज जिस पोजीशन में है कि आप उसके साथ हमने फ्लाई ओवर ब्रिज बनाया, उसको भी देख लें, पार्क को भी देख लें। वसीम अख्तर साहब का पॉइंट 100% दुरुस्त होगा, लेकिन हमने इस कंट्रोवर्सी में नहीं पढ़ना। हम इज्जत करते हैं वसीम अख्तर साहब की भी। मैंने आज इनसे भी बात की सुबह सबसे पहले उठ के, फिर मैंने फरूख सत्तार साहब से भी बात की, मैंने मौलाना सराजुल हक साहब से भी बात की। मैंने कहा जी हमने ये काम नेक नीति से किया था, लेकिन जिस काम में शुरू से शको शुबात हो जाए वो नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता। दुनिया के किसी पार्क में कोई कमर्शियल एक्टिविटी नहीं होती, कभी नहीं हुई, और एक आध छोटी शॉप ज़रूर होती है जिसमें आइसक्रीम और बच्चों के लिए पानी, किसी को प्यास लगी हो तो पानी की बोतल ले लें, लेकिन ये कमर्शियल एक्टिविटी के लिए पार्क नहीं बनते। हमारा प्रोग्राम था या जू क्रिएट करना, आबशारे क्रिएट करना, बच्चों की गेमें लगाना, और फ्री कोई टिकट नहीं थी इसके ऊपर। मुझे कहा गया कि आप टिकट लगाएं, मैंने कहा मैं कोई टिकट नहीं लगाऊंगा, मैं अपने पास से पैसा कर। आपके सामने ये फ्लाई ओवर बना हुआ है, मेंटेन हो रहा है कि नहीं मेंटेन हो रहा, मुझे बताएं। पूरे कराची में कभी किसी ने एक कागज़ भी देखा है उस फ्लाई ओवर उन रोडों के ऊपर? उनके हर साल 42 पीपल हैं उनके जो उसको मेंटेन कर रहे हैं। एक पूरा सिस्टम है जो चल रहा है। एक रुपया बिजली, गवर्नमेंट से बिजली का खर्चा भी नहीं लिया, उसके बिजली के बिल भी हम पे कर रहे हैं। और इसके बिजली का, इसका बिजली का बिल हमने कहा था कि गवर्नमेंट दे, कि इस पार्क के ऊपर इनिशियली 25 करोड़ रुपये की इन्वेस्टमेंट हम करने जा रहे थे। लेकिन मैं अब इस पार्क को कामरे भाई कभी भी नहीं लूँगा। जहाँ ये शक हो कि हमने यहाँ पर कोई करना है काम, तो हम क्यों ऐसे काम करें? हमें यही 25 करोड़ किसी और काम में अल्लाह पाक लगा दे। वसीम भाई, आपने सुना कराची के, मैं और आप शहरी हैं, हमारे सारे कराची वाले, आपकी भी जब आपकी हुकूमत आ रही थी, बल्दियाती हुकूमत, आपको पता था कि आपके पास रिसोर्सेज नहीं है, आप फिलेंथ्रोपिस्ट के पास जा रहे थे, आप लोग फारूक भाई और आप लोग सब कहते थे कि हम सरमायाकारों के, सरमायादारों के पास जाएंगे जो कराची वाले हैं, कि हमारे इस शहर में अपने पास से सरमायादारी करें, सरमाया लगाए, कुछ हमारी मदद करें। ये मलिक रियाज साहब जो बात कर रहे हैं इसमें कोई दूसरी बात तो नहीं है? ये फ्लाईओवर जो क्लिफ्टन का बना है, ऐसी तो कोई चीज़ कराची में इस किस्म का कोई फ्लाईओवर नहीं है। ये अभी डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में सफाई की ना सर, ये सड़कें वड़कें ये साफ वाफ सारा कुछ किया, ये बाग भी लेने जा रहे थे, तो एज ए कराची आइट हमारा क्या काम था? कि जैसे अभी उन्होंने कहा कि ऐसी बदमजगी हो गई है कि मैं अब ये कभी नहीं करूँगा, इसमें किसी का, हम लोगों का फ़ायदा हुआ चाहे किसी भी वजह से? आपका भी पॉइंट अपनी जगह है कि आपको बाईपास किया गया, लेकिन ये एक सैड मोमेंट नहीं है हमारे लिए, कराची वालों के लिए? हुकूमत तो कुछ कर नहीं रही है, ऐसे लोगों को भी हम भगा देंगे तो? मुझे मलिक रियाज साहब पे पूरा एतबार है, कोई ट्रस्ट डेफिसिट नहीं है इनके साथ मेरा, मगर जो दूसरा पार्टनर है उसके साथ ट्रस्ट डेफिसिट है। अगर कमर्शियल की पानी की दुकान, आइसक्रीम की दुकान खुल गई तो कामरान भाई आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूं कि उसके बाद क्या होगा। उसके बाद इसमें, इस एग्रीमेंट में एक शिक है जिसमें ये प्रोविजन है कि आने वाले आइंदा बजट में सिंध गवर्नमेंट पैसे भी रख सकती है डेवलपमेंट के लिए इस पार्क के, तो मेरे खदशात और बढ़ जाते हैं। फिर इसके टाइमिंग्स हैं सुबह 6 से 9, 4 से 10 शाम को, सुबह 6 से 9, तो बहुत सारा कंफ्यूजन है। मगर ये कन्फ्यूजन दूर करने के लिए मलिक रियाज साहब के पास मैं खुद जाने को तैयार हूं। मैं चाहूंगा मलिक रियाज साहब इस पार्क को बनाएं और जिस सोच से बनाना शुरू करना चाह रहे थे बनाएं, मगर ये फॉर्मेलिटी पूरी कर लें। इसका ओनर केएमसी है, मैं काउंसिल से रेजोल्यूशन पास करा के दिखाऊंगा आपको, मलिक रियाज साहब को, ताकि कोई आइंदा 100 सालों में भी इन पे उंगली ना उठा सके। मैं चीजें कंप्लीट कोडल फॉर्मेलिटी करना चाह रहा हूं, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। मैं मलिक रियाज साहब से, अगर उनको मेरी कोई बात बुरी लगी है, माजरत भी करूंगा कराची के हवाले से, बल्कि रिक्वेस्ट करूंगा ये पार्क बनाएं, मगर जो प्रोसीजर है उसको पूरा अडॉप्ट करें। मलिक साहब, अब आप, हमारे पास मजीद टाइम नहीं, आप इस अपनी फाइनल जो आप रिमार्क्स है वो आप दे दें, ताकि ये जो आखिरी में बात की है वसीम अख्तर भाई ने इस हवाले से।
कामरान भाई, हम लाहौर में शहर आबाद किया हुआ है वहाँ, और पिंडी में शहर आबाद किया हुआ है, इस्लामाबाद में शहर आबाद किया हुआ है, कराची में शहर। आप ये कह रहे हैं कि एक आइसक्रीम के बजाय एक 10 आइसक्रीम की दुकान करेंगे ऑन माई डेड बॉडी। हमारे बैरिया टाउन में कोई कपड़ा भी बाहर सूखने के लिए नहीं डाल सकता। हमने एक SOP बनाई हुई है, कामरान भाई आपने भी देखी होगी, बैरिया टाउन पिंडी को भी देखा है आपने, इस्लामाबाद को भी देखा है। ये सवाल ही पैदा नहीं होता, ये कोई जो हमारी कमिटमेंट है और हमारा SOP है उसमें ये चीज़ें नहीं हो सकती। फिर इस तरह फ्लाई ओवर पर भी लोग खोखे ला के वहाँ भी लोग रोज़ रात को बहुत दुनिया जाती है तस्वीरें खिंचाने के लिए, वहाँ भी बना लेते लोग, वहाँ भी जगह खाली पड़ी हुई है, वहाँ क्यों नहीं बनाया गया? ये पॉसिबल नहीं है बैरियर टाउन, ये गवर्नमेंट के कामों में ही हो सकता है कि वो खुद गवर्नमेंट के लोग शामिल होते हैं ये काम कराने में। और हम लोग अगर किसी को पानी की ज़रूरत होगी तो वो कहाँ जाएगा पानी पीने के लिए और पानी की बोतल लेने के लिए? और किसी बच्चे जब जाते हैं वो आइसक्रीम लेते हैं, वो कहाँ जाएंगे? लेकिन मुझे ये नहीं चाहिए और इसका किराया भी मैं लेना नहीं चाहता, ये खुद ले लें। मैंने ये मुझे ये कोई शौक नहीं था कि वहाँ पर दो खोखे ज़रूर होने चाहिए। अगर मैं तो अब इस पार्क को छोड़ दिया है, मैंने वसीम भाई के साथ मेरा कोई इख्तलाफ नहीं, मैंने तो सुबह उठ के सुबह पहले खुद फ़ोन किया वसीम भाई को, वसीम भाई आपकी अगर आपको नाराज है तो हम ये पार्क नहीं लेंगे, हमें नहीं काम करना है जिसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम भी हो। देखें, मैं कहूंगा कि कमर्शियल एक्टिविटी वाली शिक निकाल दी जाए कॉन्ट्रैक्ट से, एग्रीमेंट से, मुझे ऑन बोर्ड लिया जाए, मैं हूं कस्टोडियन इसका। आप बात कर रहे हैं सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट से, उसके नोटिफिकेशन पे काम कर रहे हैं, उसके पास हक ही नहीं है ये जमीन, ये पार्क देने का किसी को। अच्छा, आप केएमसी देगी आपको पार्क? अच्छा, मैं देने को तैयार हूं आपको। क्या पता कि ये कौन बंदा है, कौन मालिक है, मुझे क्या पता आप हैं या वो है? हमें जिसने कहा आपने उसके साथ कर लिया, अगर आपने मुझे कहा उससे बात करनी चाहिए थी तो फिर मैं मुजरम था। अच्छा, मुझे थोड़ी पता था ये तो रातों रात बंद कमरों में फैसले हो रहे थे, मुझे थोड़ी पता था ये हो रहा है। अच्छा वसीम भाई, मुझे ऑन बोर्ड नहीं लिया ना। अब आप इसके ओनर हैं, ये तो इससे निकल गए, ये कहते हैं हमने ये, तो अब आपके जहन में खाका है कि बाग इब्ने कासिम को रिस्टोर कैसे करा जाएगा? आप ही करें, बिल्कुल आप ही करें। जाहिर है कि आप कह रहे हैं कि उसमें कमर्शियल एक्टिविटी ना हो, कोई आइसक्रीम की दुकान ना हो, कोई पानी के पीने की दुकान ना हो, लेकिन अब आप कराची वालों को बताएंगे ना आप इसको रिस्टोर करेंगे ना या ये भी नहीं या वो भी नहीं? देखें, ये इस तरह से नहीं है जैसे आप कह रहे हो, ये भी नहीं और वो भी नहीं। ये भी नहीं, उसके अंदर ट्रस्ट डेफिसिट है, दूसरे जो एग्रीमेंट के अंदर शामिल है सिंध गवर्नमेंट। नहीं सर, ये तो ये निकल आपको आज नजर आ रहा है, आइसक्रीम की दुकान और पानी की दुकान, ये आपको यहाँ रेस्टोरेंट नजर आते हैं, इधर आज सड़क निकलती भी नजर आती है आपको। नहीं, ये अगर, इतना आसान नहीं है जितना आप कह रहे हो। अगर ये निकल गए, आपको भी एक्सपीरियंस है माजी का कि यहाँ क्या क्या हुआ है। सर हुआ तो यह है वसीम भाई, अब बात खत्म हो रही है। आपने माना है कि नॉर्थ आजमाबाद में आपके इलाके में पार्क्स में फ्लैट्स बना दिए गए, पूरे पार्क्स खत्म नॉर्थ आजमाबाद के, उनकी जगह फ्लैट बन गए हैं। आप वो एक पानी की बोतल की दुकान की बात कर रहे हैं, वो गलत बनेगी वहां पे? नहीं नहीं, वो गलत हुआ है, मैं तो आगे बढ़ना चाह रहा हूँ, वो गलत हुआ है। मैं कब बोल रहा हूँ वो सही हुआ है? आप मुझे वो मिसालें क्यों दे रहे हो? मैं तो वो भुला के आगे जाना चाह रहा हूँ, बेहतर करना चाह रहा हूँ चीजों को। अरे तो ऐसे तो कराची पाकिस्तान में हवाई जहाज भी हाईजैक हुआ था, उसकी बातें कर लेते हैं फिर। अरे तो और अयूब ने लियाकताबाद में फायरिंग भी की थी, अरे उसकी बातें कर लेते हैं फिर। वसीम भाई, तो आप क्या कह रहे हैं कि बाग इब्ने कासिम इस साइज के अंदर कोई पानी पीने की बोतल, कोई आइसक्रीम की दुकान, कोई कोल्ड ड्रिंक की स्टोर नहीं होना चाहिए, यही कह रहे हैं आप? कामरान भाई, आप बहुत मुझसे ज्यादा जानते हो, ये कमर्शियल एक्टिविटी की एक शिक है इसके अंदर, ये उंगली है, हाथ पकड़ा जाएगा, आप भी जानते हो सब कुछ। चले वो खत्म ही हो गया ना, वो बात ही खत्म हो गई। शिक है कि गवर्नमेंट इसमें बजट में पैसे डाल सकती है। अब जो भी होगा वो तो खत्म हो गया ना, वो नहीं ले रहे अब। ये बैरियर टाउन और ये मलिक साहब ने कह दिया कि वो नहीं लेंगे, अब खत्म हो गई बात, बहुत बहुत शुक्रिया। अब उसके बाद भी आप जानते हो, सुने उसके बाद भी आप जानते हो कि लोकल गवर्नमेंट जो बल्दिया है उसके पास छोड़ा क्या गया है, पैसे है नहीं, 1 अरब OZT पे मिलना चाहिए इस KMC को, जो कि 400 मिलियन दिया जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया वसीम साहब, बहुत बहुत शुक्रिया जनाब मलिक रियाज हुसैन, किस्सा तमाम। मलिक रियाज हुसैन बैरियर टाउन कहती है कि वो अब इस पार्क को लेने के लिए तैयार नहीं है, वो खालिसतन इसको पब्लिक सर्विस के लिए लेना चाहते थे, कोई कमर्शियल एक्टिविटी नहीं करना चाहते थे, कोई कोल्ड ड्रिंक की दुकान या कोई आइसक्रीम की शॉप किसी भी पार्क में होनी चाहिए, वो चाहते थे, लेकिन अब वो कहते हैं कि अगर नहीं तो नहीं, वी आर नॉट इंटरेस्टेड। अब वसीम अख्तर साहब कहते हैं वो इसके ओनर हैं, कराची के वो मेयर हैं, वो इस पार्क को रिस्टोर करेंगे, और सिर्फ ये पार्क नहीं है,
दर्जनों पार्क है जो कि उजड़े हुए हैं। अब जिस तरह से ये बैरियर टाउन को हटाया गया है या इनको कह दिया गया है कि आप इस पार्क को, अब तो खैर वसीम अख्तर साहब कह रहे थे कि आप आइए, आप इसको बनाइए, आप इसको संभालिए, आप इसको अडॉप्ट करें, लेकिन मलिक रियाज हुसैन साहब कहते हैं कि वो ये नहीं करेंगे। कराची वालों ने पूरा मंजर देखा है, आप खुद इससे अपने नतीज निकाल लीजिए, अच्छा हुआ है या ये कराची के साथ एक और जुल्म हो गया है। खबर से ब्रेक और एक बार फिर हम आपको लेके जाएंगे गवादर, जिसका के जिक्र हमारे गुज़िश्ता तीन प्रोग्राम्स में आपने देखा है। यहाँ पे पोर्ट भी बन गई है, फाइव स्टार होटल भी है, रोडे बन रही हैं, तरक्की हो रही है और सरमायाकारी हो रही है, जमीने की कीमतें सोने के भाव हो गई हैं, मगर एक चीज है जो कि नहीं है और पूरी तरह से तो बिल्कुल नहीं है और वो है पीने का पानी। जी हाँ, गवादर में पीने के पानी की शदीद किल्लत है। ये तस्वीर गवादर की हम आपको दिखाएंगे छोटे से वक्फे के बाद। चीन पाकिस्तान इक्तिसादी राहदारी मंसूबे का दिल है गवादर, और उस गवादर का जो मरकज है वो गवादर पोर्ट है। गवादर की इस पूरे मामले में अहमियत और उसका क्यों ये महवर है, इस हवाले से हम मुसलसल गवादर के मुख्तलिफ हवालों से आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, आपको वहाँ का अहवाल, आंखों देखा अहवाल मुसलसल दिखा रहे हैं। एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि गवादर में माशाल्लाह पोर्ट भी बन गया, इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी बन रहा है, सड़कें भरपूर बन रही हैं, कीमतें ज़मीनों की सोने के भाव हो गई हैं और सरमायाकार होल की शक्ल में वहाँ पहुँच रहे हैं, मगर एक चीज़ है जो वहाँ पर अभी नहीं है या बहुत कम है और वो है पीने का पानी नहीं है वहाँ पे। जी हाँ, गवादर में इस वक्त जो सबसे बड़ा मसला है, उन मसलों में से एक मसला ये है कि वहाँ पे पीने का पानी नहीं है। ये भी गवादर की शक्ल हम आपको दिखाते हैं अपने नुमाइंदे खसूसी शाहजेब जीलानी की इस गवादर सीरीज की आखिरी रिपोर्ट में। ग्वादर से 22 किलोमीटर शुमाल में वाके आंकड़ा डैम, हजारों एकड़ पर फैला ये रिजर्वॉयर 90 की दहाई से ग्वादर के लोगों को पानी फराहम करता आया है। जब बारिशें अच्छी होती हैं तो पानी भी होता है, लेकिन जब बारिशें ना हो तो पानी की सतह गिर जाती है और शहर में पानी का बहरान हो जाता है। हालिया बरसों में नाकाफी बारिशों की वजह से ऐसा बार बार हुआ। आंकड़ा डैम के इस फिल्टर प्लांट से ग्वादर को कोई 3.25 मिलियन गैलन पानी मिलता है, जबकि इस वक्त ग्वादर को कम से कम जरूरत है 6.25 मिलियन गैलन पानी की। यूं शहर को इस वक्त 3.5 MGD पानी की किल्लत का सामना है। हुकूमत कहती है कि पानी की जरूरत पूरा करने के लिए दो नए डैम तकरीबन तैयार हैं। दो डैम बन चुके हैं वाटर पे, एक सवट डैम है, एक शादी कोट डैम है। प्राइम मिनिस्टर हैज इनॉग्रेटेड बोथ डैम एंड सवट डैम से हम पाइपलाइन स्टार्ट कर चुके हैं। इंशाल्लाह 8 से 10 महीने में 5 मिलियन गैलन पर डे पानी यहां पे पहुंचेगा सवट डैम से इंशाल्लाह। और इन दोनों मंसूबों पर कई बरसों से काम चल रहा है, लेकिन बार बार के हुकूमती वादों के बावजूद पानी का बहरान हल होने की बजाय मजीद गंभीर हो गया। 25 बरस पहले ग्वादर की आबादी 50,000 के लगभग थी, आज ये 2 लाख से तजावज कर गई है और इसमें मजीद इजाफा हो रहा है। लोगों को अव्वल तो पानी मिलता नहीं और जो मिलता है वो अक्सर पीने के लायक नहीं होता। बारिशों पर इन्हिसार करने की बजाय हुकूमत ने समंदर के पानी को काबिल इस्तेमाल बनाने की ठानी। हुकूमत बलूचिस्तान ने 10 साल पहले कारवाड़ के मुकाम पर यह डीसैलिनेशन प्लांट लगाया, लेकिन यह चलने से पहले ही नाकारा हो गया। इस वक्त हम शहर से कोई 20-25 किलोमीटर दूर आए हैं। ये डीसैलिनेशन प्लांट एक अरसे से बंद पड़ा हुआ है। इसमें कहा जाता है कि डिज़ाइन का फॉल्ट था और करप्शन के भी इसमें इश्यूज थे। गवर्नमेंट इसको अभी तक चला नहीं पाई और जो मुसलसल तनकीद होती रहती है कि इस शहर के असल इश्यूज़ यानी कि पानी का मसला हल होना चाहिए, और अब गवर्नमेंट ने इसको चलाने की बात तो कर रहे हैं, उसके साथ साथ एक नए डीसैलिनेशन प्लांट को लगाने की बात हो रही है। पानी के मसले को हल करने के लिए हुकूमत ने पिछले माह ही एक्नेक से 5 मिलियन गैलन पर डे के डीसैलिनेशन प्लांट को भी अप्रूव कर दिया है और उसके टेंडर अखबारात में शाये हो चुके हैं। नया प्रोजेक्ट? जी, नया प्रोजेक्ट। तो ये 5 मिलियन गैलन पर डे का डीसैलिनेशन प्लांट होगा रिवर्स ऑस्मोसिस का, जो बड़ी हद तक यहाँ के पानी की कमी को दूर कर देगा। लेकिन इस नए डीसैलिनेशन प्लांट को चलने के लिए काफी बिजली दरकार होगी, जिसके लिए पहले चीन के तावुन से 300 मेगावाट का कोयले का पावर प्लांट लगेगा।
इन दोनों मंसूबों को हकीकत बनने में कई साल लग सकते हैं। फिलहाल गवादर के लोगों को पानी के लिए कुदरत के निजाम पर ही इन्हेसार करना होगा। बारिशें हुई तो डैम भरेंगे, वरना आने वाले महीनों में पानी का बहरान एक बार फिर शदीद हो सकता है। गवादर में पानी का बहरान है सबसे बड़ा, इस पर मजीद बात करते हैं। इसके लिए हमें ज्वाइन करें बहराम बलोच जो प्रेसिडेंट हैं गवादर प्रेस क्लब के। बहुत बहुत शुक्रिया बहराम बलोच साहब, जरा समझाइए ना कि कितना संगीन बहरान है पानी का, गवादर में पीने के पानी का मसला है कितना सख्त। देखें कामरान साहब, ये पहली दफ़ा नहीं है, चौथी दफ़ा ग्वादर में पानी का बहरान सामने आ रहा है। आप ग्वादर में पानी की बहरान का अंदाज़ा इस बात से कर लें कि दो हफ्तों के दौरान सिर्फ एक घंटे के लिए पानी आ जाता है, जिसे लोग इंतहाई मोहतात अंदाज में संभाल कर इस्तेमाल करते हैं, और पानी ना मिलने की सूरत में एक टैंकर 6000 रुपये में ख़रीदा जाता है। अब जो है हुकूमत बलोचिस्तान के मुताबिक जो आंकड़ा डैम जिसे ग्वादर में पानी फराहम किया जा रहा है, डेढ़ महीने के बाद पानी का ज़खीरा ख़त्म हो रहा है और एक मरतबा फिर ग्वादर में पानी का बहरान जन्म ले रहा है। आंकड़ा डैम से पानी का ज़खीरा ख़त्म होने के बाद मीरन डैम से पानी लाना पड़ता है, जो ग्वादर से 80 किलोमीटर दूर है, जिसे 12,000 से लेकर 15,000 रुपये तक फरोख्त किया जाता है, और लोग खरीदने पर मजबूर होते हैं। जो पानी इस्तेमाल किया जा रहा है उसकी मेयार इतनी नाकिस और ख़राब है कि उसके इस्तेमाल से बीमारियां जन्म ले रहे हैं। आप हॉस्पिटलों में जाएं तो वहाँ भी इसी तरह की सूरत हाल है। बहुत बहुत शुक्रिया बहराम बलोच हमारे साथ मौजूद थे। खबर से ब्रेक और उसके बाद जिक्र करेंगे पाकिस्तान इंटरनेशनल खसारा है 300 अरब रुपए का। इसके अलावा कर्जे हैं मुल्की और गैर मुल्की जो कि करोड़ों डॉलर्स में हैं, मगर अब एक अजीब फैसला हुआ है। बैंक ऑफ पंजाब जिसकी मिल्कियत है हुकूमत पंजाब के पास, उसने फैसला किया है कि वो इसी PIA में 30 अरब रुपए की सरमायाकारी करेगी। नया कर्जा PIA के लिए, क्या PIA फिर भी चल पाएगी या बैंक ऑफ पंजाब को भी हरासा कर देगी या परेशान कर देगी, इसकी बात करते हैं छोटे से वक्फे के बाद। क्योंकि बैंक ऑफ पंजाब स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड कंपनी है, लेकिन इसके अक्सरियती हिस्से से मेजॉरिटी शेयर्स हुकूमत पंजाब के पास हैं, इसलिए बैंक ऑफ पंजाब की मालिक हुकूमत पंजाब समझी जाती है। वही इसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को अपॉइंट करती है, इसके चीफ एग्जीक्यूटिव को अपॉइंट करती है, और उसका असर होता है बैंक ऑफ पंजाब पे के होने वाले फैसलों में। एक फैसला आया है बैंक ऑफ पंजाब का जो कि मुतनाज़ लगता है, क्योंकि बैंक ऑफ पंजाब ने फैसला किया है कि वो PIA में 30 अरब रुपए की सरमायाकारी कर रहा है, जो पाकिस्तान में मुकामी सतह पर एविएशन इंडस्ट्रीज में सबसे बड़ी फाइनेंसिंग है, और PIA की जो सूरत हाल है वो आपके इल्म में है। बैंक ऑफ पंजाब के मुताबिक ये कर्जा हुकूमत पाकिस्तान की सॉवरेन गारंटी सरकारी गारंटी के नतीजे में 7 साल के लिए जारी किया जा रहा है, और 30 अरब रुपए कर्जे पर शरह सूद तकरीबन 6.5% होगी। बैंक ऑफ पंजाब के माली हिसाबात के मुताबिक 2016 में बैंक ने 8 अरब रुपए का कबल टैक्स मुनाफा कमाया था, मगर जहां ये सरमायाकारी करने जा रहा है वो है पाकिस्तान इंटरनेशनल, और उसके जो इस वक्त माली मसाइल हैं वो किसी भी बहरान से कम नहीं है, बल्कि बाज़ माहिरीन के नज़दीक माली हवाले से पाकिस्तान इंटरनेशनल इस वक्त दरअसल एक दिवालिया कंपनी है। 2 हफ्ते पहले एक स्कैंडल सामने आया था जिसके मुताबिक PIA ने मुल्क के मुख्तलिफ शहरों से बरतानिया के लिए खसूसी प्रेमियर सर्विस में एक करप्शन के बाइस 2 अरब 10 करोड़ रुपए का नुकसान उठाया था, और इसका ऐलान बाकायदा वजीर दाखिला चौधरी निसार अली खान ने किया था। 2 महीने पहले PIA इंतजामिया ने सेनेट में बताया था कि कौमी एयरलाइंस का खसारा 300 अरब रुपए तक जा पहुंचा है, और इस खसारे में हर महीने 5 अरब 60 करोड़ रुपए का इजाफा हो रहा है। PIA महाना 7.5 अरब रुपए कमा रही है, जबकि उसके अखराजात 13 अरब रुपए से जायद हैं। इस पूरे माहौल में और PIA की इस माली सेहत के पस मंजर में क्या मुनासिब था बैंक ऑफ पंजाब के लिए कि वो अपने 30 अरब रुपए
اس قومی ایئر لائن میں لگا دے، یہ دونوں قومی ادارے ہیں، اور اس کا یہ فیصلہ، اس کو متنازع فیصلہ کہا جا رہا ہے، مگر اس کی مزید جو اہم معلومات ہے اور اس پر جو تبصرہ ہے وہ حاصل کریں گے، اور اس میں پاکستان کے ممتاز ماہر معاشیات، پاکستان کے سابق مشیر خزانہ جناب ڈاکٹر سلمان شاہ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ کے سامنے یہ پورا معاملہ ہے، اگر اس کو کنٹروورشل کہا جا رہا ہے تو آپ ایگری کریں گے کہ یہ کنٹروورشل فیصلہ ہے بینک آف پنجاب کا، اس کے بورڈ کا؟ نہیں، میرا نہیں خیال کہ بینک کے پوائنٹ آف ویو سے، تو کیونکہ سوورن گارنٹی ہے تو بینک کوئی رسک نہیں لے رہا، اور وہ اگر اس کو جو ریٹ، جس ریٹ پہ وہ رسک فری لینڈنگ ایک قسم کی کر رہا ہے تو وہ تو مناسب ہے۔ اصل پرابلم جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ ایک قسم کا حکومتی لون ہے، اور حکومت کا الٹیمیٹلی یہ فسکل ایک قسم کا ڈیفیسٹ آف دا بکس، وہ ایک لون انہوں نے ارینج کر لیا ہے تاکہ وہ ان کو ڈائریکٹلی پی آئی اے میں وہ پیسہ نہ ڈالنا پڑے۔ اب ایشو تو بیسکلی آ جاتا ہے کہ کیا پی آئی اے جو ہے وہ اس لون سے بچ جائے گی، اس لون کو لینے کے بعد پی آئی اے چل پڑے گی، کیا وہ فال ہو جائے گی، یا یہ $300 ملین جو ہے یہ بھی ایک بہت بڑے کنویں میں غائب ہو جائے گا۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، میرا سوال یہ ہے، جو آپ نے سوال اٹھایا وہ اپنی جگہ ہے، مگر میں یہ جاننا چاہوں گا کہ جو بینک آف پنجاب کے شیئر ہولڈرز ہیں وہ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ کیا یہ جس بینک کے وہ شیئر ہولڈرز ہیں، یہ بیسٹ انویسٹمنٹ ہے ان کے بینک کی، جہاں پر وہ حکومت پاکستان کی ایک بیمار کمپنی کو اس کے ریسیویبلس کے اگینسٹ یہ سرمایہ کاری کر رہے ہیں، یہ وہاں پہ اس کو لینڈ کر رہے ہیں، کیا یہ بیسٹ آپشن ہے، یا یہ امنگس دا بیسٹ آپشن ہے بینک کے لیے؟ اس کے شیئر ہولڈرز تو یہ جاننا چاہیں گے نا، سب سے امپورٹنٹ بات ہے یہ۔ جی جی بالکل، یہ اس لیے آپ کے لیے یہ حیرت کی بات نہیں ہوگی کہ پورے پاکستان کا بینکنگ سیکٹر جو ہے ابھی تک حکومت پاکستان کو لینڈ کرتا رہا ہے، اور جو بڑے بڑے منافع بڑے بڑے بینکوں نے کمائے تھے وہ حکومت کی لینڈنگ، جو حکومت کا فائنانس کیا ہوا تھا اس سے ان کو ملی۔ ڈاکٹر صاحب، وہ زمانہ تھا نا جب آپ کو گورنمنٹ سیکیورٹیز پہ 10% 11% 12% مل جایا کرتا تھا، 13% مل جایا کرتا تھا، اب تو یہ تو 6% والا زمانہ آ گیا ہے نا۔ وہ زمانہ تو تھا، ظاہر ہے کہ بینکوں کے لیے محفوظ ترین اور بہترین سرمایہ کاری تھی، لیکن جس شرح پہ پی آئی اے کو یہ دیا جا رہا ہے کہ یہ ہے محفوظ اور بہترین سرمایہ کاری۔ جی بالکل، اگر تو سوورن گارنٹی ہے حکومت کی، اور اس کے تحت اگر آپ نے جیسے کہا 6.5% پہ وہ لون دے رہے ہیں، اگر بینک آف پنجاب ڈائریکٹلی گورنمنٹ کے ٹی بلز میں یا بانڈز میں لگائے تو اس کو شاید 6.5% سے تھوڑا سا کم ملے گا۔ سو بینک آف پنجاب اپنے طور پہ، کیونکہ ایک آپ نے پہلے بھی کہا کہ یہ حکومت کا بینک ہے اور حکومت ہی اس کے ساروں کو اپوائنٹ کرتی ہے، آل بی ایٹ اس میں پرائیویٹ انویسٹرز بھی ہوں گے جن کے بورڈ پہ شاید کوئی ریپریزنٹیشن ہو، لیکن بینک آف پنجاب کو سوورن گارنٹی ملنے کے بعد انہوں نے اپنے آپ کو پروٹیکٹ کر لیا۔ اب دوسری بات یہ ہے کہ اگر وہ سوورن گارنٹی کے باوجود حکومت پے نہیں کرے گی تو پھر ظاہر ہے کہ بینک آف پنجاب کے لیے ایک بہت بڑا مسئلہ ہوگا، اور ہم نے پہلے بھی دیکھا ہے کہ جیسے آئی پی پیز کے لیے گورنمنٹ بورو کرتی ہے بینکنگ سسٹم سے، اور کئی بینک ایسے ہیں جو اس کو نہیں لینڈ کرتے۔ سو یہ تو ایک، اگر یہ پرائیویٹ بینک ہوتا تو شاید یہ کام نہ کرتا۔ سو آئی تھنک کہ یہ پیسہ اگر پی آئی اے میں ڈالا جائے گا تو میں اس کو بڑا کم چانس، بڑی کم پروبیبلٹی ہے کہ یہ سکسیسفل ہوگا، اور الٹیمیٹلی یہ بوجھ جو ہے یہ واپس پاکستان کے بجٹ کے اوپر آئے گا۔ بہت بہت شکریہ جناب ڈاکٹر سلمان شاہ ہمارے ساتھ تھے۔ اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا اختتام ہوتا ہے۔ سیٹرڈے سنڈے کی ہفتہ وار تعطیل رہتی ہے، پیر کو آپ سے پھر ملاقات ہوگی انشاءاللہ۔ پیر تک کے لیے کامران خان کو اجازت، اللہ حافظ ناصر۔